अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एशिया कॉन्टिनेंट करेंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को एशिया पे लेक्चर दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने में से कुछ ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एशिया अगेन करवाया जाए। ये इसकी लोकेशन देख लें आप, पहले भी हमने किया है, कैपिटल्स भी इसके कर चुके हैं। कैपिटल्स आप जब टेस्ट होगा उसके साथ कैपिटल्स तैयार करके भी टेस्ट देंगे इसका। ये एशिया आप, ये जो है ये सारा एरिया ये एशिया का है, ठीक है। अब एशिया के अगर हम देखें, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है और वेस्ट में यूरोप है। ये आपको यूरोप नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माउंट यूराल है जो क्या करता है, एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। रशिया का मेजर पार्ट एशिया में है और कुछ ये वाला इतना हिस्सा यूरोप में आता है, ठीक है। फिर अगर हम नीचे देखें तो इसकी बाउंड्रीज कैसे अटैच हुई हैं, यहां से यूराल माउंटेन, फिर कैस्पियन सी आ गया, ब्लैक सी आ गया, मेडिटेरेनियन सी आ गया, रेड सी आ गया, इंडियन ओशन आ गया। इस तरह से क्या है कि ये पानियों के जरिए ही सेपरेट हो रहे हैं एशिया यूरोप से और उसके बाद अफ्रीका से। ये साउथ पोल है और अफ्रीका किस लोकेशन में बनेगा, साउथ वेस्ट में, ठीक है। साउथ वेस्ट में अफ्रीका है, उसके बाद हम देखते हैं साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या है, आर्किपेलागोस हैं इंडोनेशिया के, मलाय आर्किपेलागो भी कहते हैं, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन, ठीक है। ये आपकी एक ओवरव्यू हो गया, आपको समझ आ गई कि ये एशिया है। अब हम इसको जूम करके पढ़ेंगे फर्दर डिटेल में ताकि आपको समझ आ जाए क्या है। इसको जूम करके यहाँ पे मैंने शो किया है। अब ये देखें कि ये इतनी मैंने मेहनत की है, लेकिन दुख इस बात का है कि जब मैंने टेस्ट लिया लास्ट टाइम अफ्रीका का, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड था बच्चों का, इतनी गंदी राइटिंग में टेस्ट लिखा हुआ था, तो फिर ये सब कुछ करने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने मुताबिक ही करना है काम, तो फिर हमें भी क्या है, सिंपल में ये आपको उधर से वर्ल्ड मैप से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए और आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए ये चार्ट तैयार किया है, और ये बहुत मेहनत का काम है। मैं यही बात कर रही थी कि पहले अफ्रीका का टेस्ट जो आप लोगों ने दिया ना, राइटिंग अच्छी थी, और उसके बाद जो आपने वो उसकी चेकिंग की, चेक किया, तो आपको ये इमेजिन करना चाहिए कि यहाँ पर टीचर आपके पास नहीं बैठा हुआ, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना ये सारी चीजें, कि आपने अल्लाह ताला के सामने आंसरेबल है। उसके अलावा क्या है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं हर किसी की कितनी सिंसियर मेहनत है, और रिजल्ट तो अल्लाह ताला ने देना है ना। तो ये चीजें सारी जेहन में रख के मुझे अच्छा टेस्ट चाहिए। अगर इस तरह का आप मुझे काम करके दिखाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर तैयार नहीं करूंगी। चलिए आप देखें टॉपिक की तरफ आए, ये एशिया कॉन्टिनेंट वही जो कि हमने वर्ल्ड मैप पे देखा था, ठीक है। पहले इसकी बाउंड्रीज ध्यान से देखनी है। ऊपर ये देखें कि हम इस इधर से शुरू कर लेते हैं, ये बेरंग स्टेट है, ठीक है। फिर ऊपर क्या आ जाएगा, आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अब ये रशिया है पूरा, ये जो रेड कलर में मैंने किया हुआ है, और ये सेपरेट, अब ये देखोगे इसका ये वाला पार्ट जो सारा है ये किधर है, ये एशिया में है, लेकिन ये यूराल माउंटेन रेंज है। इसके बाद जो ये आपका वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, ये यूरोप में आता है। अब इशू क्या है कि बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूरोप में है या एशिया में है। लार्जर पार्ट जो है उसका एशिया में है, तो ये एशिया में शामिल होता है। यूरोप में क्यों कर लिया जाता है, क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है मॉस्को, वो जो यूरोपियन पार्ट है ना इधर है, और सेंट पीटर्सबर्ग भी रहा वो भी यूरोपियन पार्ट के अंदर ही था, इस वजह से मे भी वो यूरोप में ऐड कर देते हो, अदरवाइज ये जो है मेजर पार्ट इसका एशिया में आता है। अब हमने देखना है कि पहला कंट्री रशिया, रशिया जो है एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। अब ये सिर्फ एशिया का ही नहीं है, ये दुनिया का भी सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है, ठीक है।
एरिया वाइज मैं लिस्ट भी आपको एक दे दूंगी जिसके अंदर सारे 10 जो है बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये मंगोलिया है, ठीक है। अब हमने लोकेशन साथ साथ देखते जानी है, रशिया के साउथ में क्या है, मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के अगर हम देखें साउथ में तो क्या है, चाइना, और चाइना के अगर हम देखें साउथ वेस्ट में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और ये वियतनाम है, ठीक है। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान है, ठीक है। जापान का है पैसिफिक ओशन के अंदर, ये सारा एरिया, ये सारा पानी है जो कि पैसिफिक ओशन का पानी है, ये आपको इधर नजर आएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें इस साइड पे तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इस वाले हम थोड़ी सी इनकी डिवीजन को भी देख लें, ये जो है ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, ये नॉर्थ एशिया कहलाता है, ठीक है। और जो यहां से शुरू हो रहे हैं मंगोलिया, जिसके अंदर चाइना शामिल है, और फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, इसे फार ईस्ट भी कहते हैं, और ये क्या है, ईस्ट एशिया है, ठीक है। अब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं, ये सेंट्रल एशिया, ये जो पांच कंट्रीज हैं ये सेंट्रल एशिया में शामिल है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है, जिनके एंड पे स्तान आता है। ये पांच कंट्रीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स में है, जो कि पहले पार्ट थे रशिया का। 1991 में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये और भी यहाँ पे कंट्रीज थे जो कि क्या हुए कि रशिया की, जब इसे यूएसएसआर कहते थे, उसकी मेन लैंड से सेपरेट हो गया। ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स जो थी वो सेपरेट हुई 1991 में, उसके बाद से इसको रशिया का नाम दिया गया। अब ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, अब हमने देखना है कि यहां से कैसे सेंट्रल एशियन स्टेट से आगे जो एशिया है आपका सेपरेट हो रहा है। ये अफगानिस्तान है, ये बाकान कॉरिडोर है, और जो क्या कर रहे हैं, चाइना और अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहे हैं, और डिसकनेक्ट किसको करता है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को। अब ये याद रखना है कि बाकान कॉरिडोर किस डायरेक्शन में बनता है, ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता ही है, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर क्या कहलाती है, ड्यूरेंड लाइन, और आपको पता है रेड कलिफ लाइन इंडिया के साथ है हमारी, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है उसे मकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर कंट्रीज को देखते हैं, अब ये आगे मिडल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। मिडल ईस्ट कंट्रीज में क्या आएंगे, आपका ईरान है, इराक है, ठीक है, जॉर्डन है, लेबनन है, इसराइल है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पे देखो कि ये मालदीव छोटा सा बनाया हुआ, ये एक आइलैंड है। अगर हम देखें जो एशिया का पहले नंबर पे बिगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया रशिया, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया मालदीव, ठीक है। उसके अलावा बस एक और फोकस करें, अगेन मैं चाह रही हूं कि ये जो ओशनिक सेपरेशन है ना, इसको देखना, आर्कटिक ओशन, हिराल माउंटेन रेंज, ठीक है, फिर कैस्पियन सी आ गया, ये जो मैंने ये साइड पे है। अब यहां से हमने क्या करना है, जो कैस्पियन सी से ब्लैक सी, ब्लैक सी से ऊपर यूरोप है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टर्की आ गया। अब टर्की की देखो, जैसे रशिया डिवाइडेड है दो कॉन्टिनेंट्स में, इस तरह से टर्की का है। टर्की का छोटा सा ये शहर इस्तांबुल, ये यूरोप में है, ठीक है। और जो इसका मेजर पार्ट है ये एशिया के अंदर है, और इस वाले एरिया को अनाटोलियन प्लेटो भी कहते हैं, ठीक है। ये है एशिया के अंदर, ये आपने ध्यान से देख लेना है कि ये इस्तांबुल जो है ये यूरोप के अंदर है। फिर ये सीरिया, ये सारे तो एशियन कंट्रीज ही हैं।
अब एक और देखेंगे, ये लिस्ट है वर्ल्ड 10 बिगेस्ट कंट्रीज की, ठीक है। रशिया पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे नंबर पे, एरिया वाइज है ये, यूएसए तीसरे नंबर पे, चाइना चौथे नंबर पे, ब्राजील पांचवें पे, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। अब हमें देखना है ये वर्ल्ड 10 बिगेस्ट कंट्रीज एरिया वाइज में से एशिया में कितने हैं। रशिया एशिया का है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। तो इन 10 में से जो 4 एरिया वाइज बिगेस्ट है वो एशिया के अंदर है, ठीक है। फिर इनको अगर हम देख ले पॉपुलेशन वाइज क्या है कि 5 जो है, जो टॉप 10 है उनमें से 5 पॉपुलेशन वाइज एशिया में है, और वैसे भी बाकी जैसे एशिया पहले नंबर पे है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, इस तरह से ये एरिया के लिहाज से भी बड़ा है और आबादी के लिहाज से भी, यानी पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन वाइज ये 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक है, चाइना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे, यूएसए तीसरे नंबर पे, इंडोनेशिया चौथे पे और पाकिस्तान पांचवें पे आ गया है, ठीक है। अगर आप पिछले रिपोर्ट देखेंगे तो पाकिस्तान 6 नंबर पे था, ठीक है, और अब ये 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें नंबर पे, ब्राजील 6 पे, नाइजेरिया 7 पे, बांग्लादेश, रशिया और मेक्सिको 10 पे। हम देखना है इनमें से कितने एशिया के अंदर हैं। चाइना एशिया में है, 1, 2, 3, 4 आपके हो गए, और ये 5 और ये 6 कंट्रीज जो हैं आपके वो कहाँ पे हैं, एशिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इनको जरा और डिटेल के अंदर, इधर आ जाएं। अब ये देखें कि रशिया की मेन चीजें मैंने लिख दी हैं, वैसे हम कंट्रीज को सेपरेट भी पढ़ेंगे। अब रशिया को देख लें थोड़ा सा, इन्होंने आजादी यानी कि ये एक रशिया जो स्टेट बनी थी इंडिपेंडेंट दिसंबर 1991 के बाद बनी, ठीक है। और जो रशिया है वर्ल्ड बिगेस्ट है, इसकी पार्लियामेंट डोमा है, करंसी इसकी रूबल है, और यहाँ पे वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, एक लेक बेकाल आपने पढ़ी हुई है ये पास पेपर्स में, और ये फ्रेश वाटर लेक है, और दुनिया की डीपेस्ट है, लेकिन एशिया की बिगेस्ट लेक है रशिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट लेक, लेकिन वर्ल्ड की ये डीपेस्ट, यानी कि इसकी डेप्थ जो है बाकी और सारे लेक्स वर्ल्ड में है उन सबसे ज्यादा है, ठीक है। और रशिया के साथ अब हमें देखना है कि किन किन कंट्रीज की बॉर्डर टच कर रही है, ठीक है। तो ये आप देखें, आपको पता है रशिया और चाइना के साथ 14 कंट्रीज हैं जो के बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान है, फिर इधर ये बाल्टिक स्टेट्स आ जाती हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाते हैं, जिनको मैंने मार्कर से बोल्ड नहीं किया, वो यूरोप में आते हैं इसलिए इनको नहीं किया है। ये मैंने आपको पहले भी बड़ी डिटेल में करवाया था, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ, ठीक है। रशिया के अंदर ये जो है ये वोल्गा रिवर है, और ये यूरोप, वैसे यूरोप का पार्ट है इधर, और यहाँ पे क्या है, ये कॉक्सस रेंज है, और माउंट एल्बर्स जो है ये यूरोप का हाईएस्ट है, लेकिन हमने ये तो नहीं फोकस करना, हमारा फोकस एशिया है। अब इसके बाद रशिया के बाद हम देखते हैं ये मंगोलिया है, चंगेज खान जो था वो मंगोलियों का लीडर था, फाउंडर था, जिसका नाम तेमुजिन था। लाकू खान जो था वो भी यानी कि उसका बेटा था, ये सारे यानी कि यहाँ पे रहे। अब चाइना को जो असल थ्रेट था वो हमेशा मंगोलियन से ही रहा है, और ये जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ये देखें, ये जो लाइन है ये असल में सिल्क रोड है, सिल्क रोड यहां से शुरू हो रही है, मंगोलिया से गुजरती हुई, कजाकिस्तान से गुजरती हुई, और रशिया से, और ये आगे नीदरलैंड तक सिल्क रोड। इसका पहले लेक्चर सर नुमान साहब है, उन्होंने काफी अच्छा आपको वन बेल्ट वन रोड के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन आप ये देख लेना है सिल्क रोड कहाँ कहाँ से गुजर रही है। असल में सिल्क रोड बहुत पुरानी है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इशू ये है कि अब इसको रिवैम्प कर रहे हैं, रिन्यू किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आज फिर चाइना जो है पूरी वर्ल्ड पे यानी कि ग्लोबलाइजेशन और पूरी वर्ल्ड पे अपना
एक कंट्रोल करना चाहता है इकोनॉमी के थ्रू, ठीक है, चाइना को फोकस करते हैं। चाइना जो है सेकंड जो है एशिया का एरिया वाइज है, पॉपुलेशन वाइज आपको पता है कि ये पहले नंबर पे है, और इसका बीजिंग कैपिटल है, यहाँ पे बीजिंग है, और ये जो है ये रिवर नजर आ रहा है आपको, ये यांगत्से रिवर है जो कि चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर है, चाइना का है और एशिया का भी है, एशिया का भी ये बिगेस्ट है। और आपने पहले पढ़ा हुआ है इसके ऊपर थ्री गॉर्जेस डैम है जो कि चाइना वर्ल्ड बिगेस्ट आउट फील्ड डैम है, ठीक है, और युआन उसकी करेंसी है चाइना की। उसके अलावा नेशनल असेंबली और नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये इसकी पार्लियामेंट है, और ये ईस्ट एशिया का पार्ट है। यहाँ पे अब आपने गौर से देखना, देखें ये पाकिस्तान है, हिमालिया रेंज यहाँ से शुरू होती है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन सी पीक है, नागा पर्वत हिमालय के हाईएस्ट। अब वो नागा, ये जो हिमालय रेंज यहाँ शुरू हुई, चलती गई, ठीक है। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, ये माउंटेन 8,848 किलोमीटर, ठीक है, मीटर्स, नेपाल जो है नेपाल के अंदर, और ये तिब्बतन प्लेटू है, नेपाल और तिब्बत में इसलिए कहते हैं ये तिब्बतन प्लेटो है, और इधर अगर आप उस तिब्बतन प्लेटो के देखें साउथ में, यहाँ पे हिमालय रेंज, और हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि क्या है, दुनिया की हाईएस्ट पीक है, एशिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नीचे ये भूटान आ गया, ये भी आपने देख लेने हैं कंट्रीज के, 14 कंट्रीज कौन से हैं जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखें तकलामकान डेजर्ट है जो कि चाइना का बिगेस्ट डेजर्ट है, और क्या है ये बहुत डेंजरस भी है, यहाँ पे पॉइसन स्नेक्स होते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, इसे सी ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये हम मजीद जो चाइना की डिटेल है वो चाइना कंट्री को जब सबमिट पढ़ेंगे फिर पढ़ लेंगे। ये है गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट जो है सातवें नंबर पे है। ये जो है ये मंगोलिया और चाइना के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जी आप नीचे आ जाएं, हम देखते हैं इंडिया, इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स हैं ये आप देख लें, बांग्लादेश इंडिया के अंदर है, और इसके बाद यहाँ पे ये सारा इंडिया का ही पार्ट है। ये ब्रह्मपुत्र ये इंडिया का रिवर है जो कि बांग्लादेश से गुजर रहा है, यहाँ पे गंगा रिवर जो कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, और यहाँ पे ये थर डेजर्ट है, आपको पता है थर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, इसलिए इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। और फिर यहाँ पे आप इनको देख लें जिनको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये म्यांमार, लाओस, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। इसके नीचे से क्या है, ये मलाय आर्चिपेलागो शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया आता है, उसके अलावा ये छोटे छोटे से आइलैंड है, सुमात्रा, जावा आइलैंड, ठीक है, और ये ईस्ट तिमोर, और ये जो है सिंगापुर यहाँ पे है। उसके बाद न्यू गिनिया, ये सारे मलाय आर्किपेलागो के, ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ कि आर्किपेलागो क्या होता है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, इस सारे यानी कि इस क्लस्टर को हम मलाय आइलैंड आर्किपेलागो में शामिल करते हैं। और यहाँ पे ये फिलिपाइन है। अब हमने ये देखना है कि कुछ आइलैंड्स हैं वर्ल्ड में जो कि डिस्प्यूटेड हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है पार्सल आइलैंड, ठीक है, जो पार्सल आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड है, ये यहाँ पे साउथ वियतनाम के दरमियान और ये फिलिपाइन, इसके अंदर क्या है वियतनाम और तीन चार कंट्रीज हैं जो कि ये पार्सल आइलैंड के ऊपर अपना करते हैं कि हमारा कब्जा है। फिर उसके अलावा इसी तरह से स्पार्टले आइलैंड है, स्पार्टले आइलैंड जो है साउथ वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान और मलेशिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। कौन कौन से चार कंट्रीज हैं, साउथ वियतनाम,
फिलिपाइन, ताइवान और मलेशिया, चार ये चारों के चारों अपना कब्जा शो करते हैं। इस तरह से इधर वियतनाम, ताइवान और चाइना जो है वो कहते हैं पार्सल आइलैंड हमारा है। अब ये देखते हैं यहाँ पे ऊपर जाएं, ये ताइवान है और ये हांगकांग है। हांगकांग इशू को हम चाइना के साथ पढ़ेंगे, ये ताइवान है, ये ताइवान स्टेट है, ठीक है। और ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। फिर इससे ऊपर हम जाएं, ये जापान, जापान की जो पार्लियामेंट है डाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये यन करेंसी है, आपको पता ही है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, हाराकारी जो सोसाइटी की एक रस्म है वो यहाँ पे फेमस है जापान में। सोमो गेम जो है एक रेसलिंग की गेम है जो कि बहुत फेमस है चाइना में, जापान के अंदर। बोनसाई जो है एक आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज, दरख्तों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे से पौधे बना के, बहुत फलदार पौधे होते हैं जो कि बिल्कुल आपको कम हाइट में और गमलों में मिलेंगे, उसे यानी कि जो ये आर्ट है इसको बोनसाई कहते हैं। यहाँ पे सी ऑफ जापान है। अब स्टेट्स मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको, पहले स्टेट्स बाद में करते हैं, पहले कंट्रीज को कंप्लीट करें। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को कॉकपिट ऑफ एशिया कहा जाता है। अफगानिस्तान से ऊपर तुर्कमानिस्तान, यहाँ पे क्राकुम डेजर्ट है, ठीक है। और जो कजाकिस्तान है उसके अंदर केजलकुम डेजर्ट है, ठीक है। और ये एरल सी है, उसके बाद ये कैस्पियन सी है। ये हमने किया हुआ था कि कैस्पियन को कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर्स शेयर करते हैं। तुर्कमानिस्तान है, ये आपका ईरान है, अजरबैजान है, रशिया है और कजाकिस्तान, ये कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान जो है ये यहाँ पे एरल सी है, उसके बाद इसके साथ ये कैस्पियन सी है, ठीक है। ईरान, ईरान के अंदर तेहरान कैपिटल है, तेहरान इसकी सीबोर्ड भी है फेमस। दश्ते काबीर और दश्ते लूत, दश्ते काबीर दश्ते लूत ये दो यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये इस्लामी तो पसंद था फातेह ईरान, कई बार ये पूछा जाता है। साद बिन अबी वकास जो थे वो फातेह ईरान थे। और फिर उसके बाद ये इराक है, ये जॉर्डन और ये यहाँ पे डेड सी। डेड सी जो है ये एशिया का लोएस्ट पॉइंट है, जॉर्डन और इसराइल के दरमियान है ये। ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब हम स्टेट्स कर लेते हैं इसके साथ ही, ये अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। अब ये जो है ब्लू कलर का, ये रेड सी है। रेड सी के यहाँ पे क्या है, बाबुल मंदब, ये एक स्टेट है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, अरेबियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर रही है और डिसकनेक्ट किसको कर रही है, अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से डिसकनेक्ट कर रही है। अगर ये देखें, ये जो खाना है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और इसके टिप पे क्या है, सोमालिया, सोमालिया और यमन को भी ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, एशिया और अफ्रीका को सपोर्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं और कौन सी स्टेट है, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मस। स्टेट ऑफ हॉर्मस जो एशिया की फेमस और बिजिएस्ट ये स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो ईरान की है एलएनजी की, सबसे ज्यादा यहाँ से सप्लाई होती है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 40% जो है सारा एलएनजी यहीं से ही सप्लाई हो रही है। उसके बाद आ जाए ऊपर तो हमारे पास है, ये यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं जो कि बड़ी फेमस हैं और इनको ध्यान से समझना है। देखिए, एक है यहाँ पे बास्पोरस स्टेट। बास्पोरस स्टेट किसके दरमियान है, ब्लैक बी से ब्लैक सी और ये दरमियान में ये आपको सी नजर आएगा, इसको क्या कहते हैं, ये है सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ मारमारा ये, अब ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को बास्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को सपोर्ट कर रही है। फिर उससे आगे हम जाते हैं, ये सी ऑफ मारमारा ही है, सी ऑफ मारमारा से आगे एजियन सी है,
सी ऑफ मारमारा और एजियन सी दोनों को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? डार्डेनल स्टेट। दो स्टेट्स हैं यहाँ पे, डार्डेनल स्टेट्स हैं, स्टेट है बास्पोरस स्टेट है, दोनों टर्की एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को ही कनेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक स्टेट है पाल्क स्टेट, ये श्रीलंका और इंडिया के दरमियान है। मलाका स्टेट, मलाका स्टेट बहुत फेमस है इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान। अभी ये देख रहे हैं कि ऊपर जो है बे ऑफ बंगाल का पानी है, नीचे जावा सी है, ठीक है, और ये दो पानियों को कनेक्ट कर रही है। उसके अलावा डिसकनेक्ट इसको कर रही है, ये स्मात्रा आइलैंड है मलेशिया का, स्मात्रा, और अगर हम देखें तो ये मलेशिया, इन दोनों को ये सेपरेट कर रही है। उसके बाद एक और स्टेट आ गई, ये ताइवान स्टेट आ गई, और ये यहाँ पे बिरिंग स्टेट आ गई। बिरिंग स्टेट क्या कर रही है? सर्बिया और अलास्का को सेपरेट करती है। उसके अलावा ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, आर्कटिक ओशन बेरिंग सी को भी कनेक्ट करती है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रंचेस रह गई हैं। ट्रंच क्या होता है कि ओशन के अंदर जो उसका डीपेस्ट पॉइंट है वो ट्रंच है, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन है ऑफ कोर्स वर्ल्ड बिगेस्ट है, और डीपेस्ट पॉइंट जो इसका है वो आप माउंट एवरेस्ट को अगर इसके अंदर फिट कर दें, मीन खाई ट्रंच, ठीक है, तो फिर भी ये फिल नहीं होती, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, इसकी गहराई है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन की ट्रंच है, मरियाना ट्रंच, ये याद रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजर डीप है, ये इसका बनता है इसमें मरियाना ट्रंच, ये आर्क शेप में है, ये बल, ठीक है, यहाँ पे ये खाई है। उसके बाद हम देखते हैं, ये है एक जावा ट्रंच जिसको सोंडा ट्रंच भी कहते हैं, और इसको यानी कि ये इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है। ये जावा ट्रंच जो कि इंडियन ओशन की ट्रंच है, ठीक है, इसको सोंडा ट्रंच भी कहते हैं। ये जावा आइलैंड है, ये जावा सी है, ठीक है। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन रह गया। अटलांटिक ओशन की जो ट्रंच है वो सैंडविच ट्रंच है, ठीक है, और ये तकरीबन साउथ अमेरिका वाली साइड पे है। इसका ऑलमोस्ट सारा आपका हो गया है, मैंने पार्लियामेंट्स लिखी हुई हैं, बाकी ये है कि आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर देंगे, और नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे कंप्लीट होमवर्क चाहिए आपका जो कि मैंने चेक कर लिया बस। और ये एक और क्वेश्चन रह गए हैं, एशिया के 48 कंट्रीज हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है 29% और 30% लैंड जो है आपकी उसको कवर करता है, और अर्थ सरफेस का 8.7% है। ये आपने अब अच्छी तरह से तैयार करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट भी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।